करहल के लोग इतने अच्छे लगे हैं कि अब तो इनमें एकदम बहस ही हो गई है। और ये जाकिर जी हैं, सभासद हैं, इन्होंने तो एकदम हक अदा कर दिया है। और यहाँ पर ये लगभग 5:30 बजे से लगे हैं और इनकी टीम के जितने मेंबर हैं बहुत उत्साह से लगे हैं। देखिए जिस तरीके से हमने ये दिल्ली से आए हुए हैं, इनसे बात करी और यहाँ पर समाज सेवी खड़े हुए हैं जाकिर हुसैन आका, जो प्रतिदिन रमजान चल रहे हैं इस समय, रमजानों में लगभग इन्हें 5 से 6 दिन हो चुके हैं बांटते हुए, ये हम बात करना चाहेंगे जी। बताएं किस तरीके से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं गरीबों की। भाई हमारा एक संगठन है, उसमें वकील भाई हैं, गुलफान भाई हैं और रईस भाई कबाड़े वाले हैं। हमारा ये कम से कम 20 लोगों का संगठन है। हम लोग 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके और हम इन गरीबों को बेचारे ये लोग आए हुए हैं, इन लोगों के लिए खाना रोज लाते हैं। आज छठवां दिन है। हम लोग सभी आओ भाई और से आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हो जी? रईस भाई, हम लोग कहना चाहते हैं कि गरीबों की सहायता करें और हम लोग सभी लोग मिलकर सहायता कर रहे हैं और जो भी जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं। हम लोग करहल जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं और घर घर हम भी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे तो 2 दूसरों को खिलाएंगे, 2 हम खाएंगे, यही हमारा कहना है। इतने अच्छे लगे हैं कि अब तो इनमें एकदम बहस ही हो गई है। और ये जाकिर जी हैं, सभासद हैं, इन्होंने तो एकदम हक अदा कर दिया है। और यहाँ पर ये लगभग 5:30 बजे से लगे हैं और इनकी टीम के जितने मेंबर हैं बहुत उत्साह से लगे हुए हैं। लोगों को खाना उपलब्ध करवा रहे हैं, लोग खाना खाने के बाद बहुत धन्यवाद करके जाते हैं। और इनको और हमको भी अच्छा लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने हमसे खाना लिया। वाकई जो यात्री हैं उनके आभारी हैं कि वो हमारा खाना खा रहे हैं, जाकिर जिया का खाना खा रहे हैं, इन लोगों के हाथों से खाना खा रहे हैं। ये हम पे इन यात्रियों का उपकार है। गाड़ी आई है दिल्ली से और यहाँ पर समाज सेवियों द्वारा निरंतर भोजन कराया जा रहा है साथ साथ गरीबों को। और सरकार ने भी अब ऐलान कर दिया है जो मजदूर हैं उनको भी राहत पैकेज दिया जा रहा है। साथ साथ ये जो करल के मुस्लिम समाज के लोग हैं ज़्यादातर मदद कर रहे हैं लोगों की। और रमजानों में इन्होंने कहा है पूरे रमजान भर जब तक ये राहगीर चलेंगे तब तक हम लोग सारे लोग मदद करेंगे। और इनका संगठन है, ये पैसे इकट्ठा करके सारे गरीबों की मदद कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे से साइमुल हसन की रिपोर्ट, कैमरामैन राजा फारूक की।